हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 27 मई 2022 को एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में एक वाहन दुर्घटना में भारतीय सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है। वहीं कुछ जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल जवानों को पंचकूला के कमांड अस्पताल ले जाया गया है। भारतीय वायुसेना की मदद से गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को पश्चिमी कमान में एयरलिफ्ट किया गया है। सेना की जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसमें 26 जवान सवार थे। हादसे में कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना पर शोक जताते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूँ, जिसमें हमने अपने वीर जवानों को खो दिया है। मेरी संवेदनाएँ शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। दुर्घटना लद्दाख के थोइस से करीब 25 किलोमीटर दूर हुई है, जहां सेना का वाहक स्योक नदी में गिर गया। गाड़ी में सवार 26 में से 7 जवानों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं बाकी 19 घायलों में कई की हालात गंभीर है। घायलों को प्रतापपुर के 403 फील्ड अस्पताल ले जाया गया है और ले से सर्जिकल टीमों को प्रतापपुर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक जवानों की बस शुक्रवार सुबह 9 बजे ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ की ओर जा रही थी, जब वाहन असंतुलित होकर सड़क से करीब 50-60 फीट नीचे स्योक नदी में गिर गई। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।